हूँ ये 2000 करोड़ कोर्ट जाएंगे, यहाँ विरोध करने का कोई लाभ नहीं है, ना कोई जनता साथ देगी। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ आसिफ अंसारी। बरेली में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से हर इंसान परेशान दिखाई दे रहा है। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सुभाष नगर इलाका है, जो सुभाष नगर इलाके की पुलिया टक्कर की कही जाती है। इसको लेकर नगर निगम ने हाल ही में एक बजट तैयार करा था, क्योंकि पिछले कई सालों से इस पुलिया में बरसात होने की वजह से पानी भर जाता है, तो यहाँ पर आवागमन पूरी तरीके से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को खास दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर निगम ने इसी परेशानी को देखते हुए यहाँ पर एक बजट तैयार करा था। बजट तो पास कर दिया गया, लेकिन इस पुलिया का अभी तक निर्माण पूरा नहीं करा गया। रामपुर गार्डन की बात की जाए तो रामपुर गार्डन एक अच्छी कॉलोनी वाला इलाका है, यहाँ पर VVIP और तमाम डॉक्टर्स की टीम रहती है। राजेश अग्रवाल है जो पार्षद है, उन्होंने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा है कि अब मामला न्यायालय में जाएगा, उसके बाद नगर निगम की जो परत दर परत है उसको खोला जाएगा। राजेश जी, कल रामपुर गार्डन में पानी भर गया था, उसकी वजह क्या है? देखिए, जल भराव एक बरेली के लिए कॉमन चीज़ है, लेकिन तब कॉमन चीज़ नहीं रहती जब स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए और अमृत योजना में सीवर के नाम पे करोड़ों रुपए जिस क्षेत्र में लगे हों। विकास भवन रोड हो, बिरहा टॉकीज रोड हो, रामपुर गार्डन हो, या जहाँ नगर आयुक्त और मेयर हाउस निवास है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है। पुराने नाले जो सही स्थिति में थे उन्हें तोड़ा गया है, नए नाले बनाए गए हैं जो बहुत पतले हैं। हर चीज़ जो है पुरानी तोड़ के नई बनाई गई, लेकिन उसके बाद जिस रामपुर गार्डन में सिर्फ थोड़ी सी दूर पानी भरता था गांधी उद्यान के सामने, आज वो बरेली कॉलेज तक पानी भरा है। नगर आयुक्त निवास की तरफ तो पानी का कम नहीं किया। रामपुर गार्डन की जो 7 लेन हैं विकास भवन की ओर खुलती हैं, जिन पे कभी पानी नहीं भरता था, अब की बार 2-2 फीट पानी भरा है, जहाँ स्मार्ट सिटी का कार्यालय है। तो मेरा निवेदन उन लोगों से है, खासकर जिन्हें शहर की किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ता और जाके वो वोटिंग विचारधारा के आधार पे करते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये 2000 करोड़ रुपया बर्बाद हुआ है, किसका हुआ है? भारत सरकार का और हम लोगों का बर्बाद हुआ है। ये कह के पल्ला झाड़ लेना कि साहब पानी तो भरता ही है, बड़े बड़े शहरों में भरता है, ये भैया अभी 2000 करोड़ रुपया 2 दिन पहले ही लगा है और इसका पूरा भुगतान भी नहीं हुआ है, इसके लिए दोषियों के लिए कुछ आवाज़ उठाओगे या हिंदू मुस्लिम में घिरे रहोगे? तो मेरा निवेदन है उन लोगों से जो ये कह देते हैं जल भराव एक कॉमन चीज़ है, ये कॉमन चीज़ नहीं है, ये भ्रष्टाचार है, बड़ा घोटाला है, इस पर जाँच हो। राजीव जी, देखने ये भी सामने आया है कि नाले की हर बार सफाई होती है, ये सर सफाई की बात ही नहीं है ना। 1 करोड़ रुपए साल का नगर निगम पूरे बरेली का बजट है नाले की सफाई में, उसमें मैं मानता हूँ 50 लाख का भ्रष्टाचार है और ये 2000 करोड़ का है। ये नाले की सफाई का मुद्दा नहीं है, नाले की सफाई जाटकपुरा में हो सकती है, नाले की सफाई इंदिरा नगर में हो सकती है, ये सिविल लाइन रामपुर गार्डन में नाले की सफाई का घोटाला नहीं है, ये स्मार्ट सिटी का घोटाला है। नाला का सफाई जो है वो पुराने इलाकों में होती है, ये नए नाले बने हैं, नए सीवर लाइन पड़ी है, नए डिवाइडर बने हैं, नई लाइटें लगी हैं, नई फुटपाथ लगी हैं और जो जरूरी काम है वो नहीं हुए हैं। मेयर जो है उमेश गौतम, वो कह रहे हैं कि शहर को स्मार्ट करने में हमारा सहयोग करें। कोई स्मार्ट नहीं, जो स्मार्ट सिटी के 6 वार्ड हैं वो भी आज बंजर पड़े हैं। 5 साल उनको कहा गया है स्मार्ट बनाएंगे, आज उसमें 1 रुपए का काम नहीं हुआ। नगर निगम ने इसलिए नहीं कराया कि वो स्मार्ट सिटी में आ गए हैं। आप मकरनपुर सरकार देखें, सिकलापुर देखें, खुर्रम गोटिया देखें, आजम नगर देखें, सारे वार्ड आज भनभना रहे हैं गंदगी के मारे। न स्मार्ट सिटी से काम हुआ, न नगर निगम से काम हुआ। क्या लगता है स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल पैसे का जो है बर्बादी की गई? नगर निगम के वो अधिकारी लगाए गए जो नगर निगम में है, जबकि स्मार्ट सिटी में PWD के मुख्य अभियंता लगने चाहिए थे, अन्य विभागों के इंजीनियर लगने थे, नगर निगम के इंजीनियर नहीं लगने थे। लेकिन स्मार्ट सिटी को पैसे को खुदबुर्द करना था, लाइटें जबरदस्ती लगानी थी, फुटपाथ खत्म करने थे, रोडें खत्म करनी थी और जो किया गया है। क्या लगता है चुनाव सिर पर है तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है स्मार्ट सिटी की? राजनीति नहीं हो रही है, ये शहर की जनता को सोचना है। अगर वो खुश है तो हमें भी अच्छा है, हम विरोध में होके भी उनकी खुशी में खुश हैं। ये शहर के संग छलावा है, स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा दुरुपयोग नहीं घोटाला हुआ है। तो क्या आप इसको लेकर कोई विरोध करेंगे? हम कोर्ट जाएंगे, यहाँ विरोध करने का कोई लाभ नहीं है, ना कोई जनता साथ देगी। सब ये कह रहे हैं, मैं देखता हूँ फेसबुक पे पहले भी जल भराव होता था, तो ऐसे लोगों के लिए निवेदन है कि हाँ पहले ही देखते रहो, नेहरू से लेके अब तक।
जस्ट न्यूज की टीम आ पहुंची है मिनी बाईपास पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि आवागमन उस तरीके से चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरीके से हमेशा चलता था। बरेली के डीएम शिवाकांत त्रिवेदी ने जो गंगा किनारे बसे गांव हैं उन्हें उनमें रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है, साथ ही बाढ़ का खतरा भी अब मंडराने लगा है। इसी को लेकर मौसम विभाग ने भी अब खास अलर्ट जारी करा है, 3 दिन तक बारिश और होने का अनुमान लगाया गया है। फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि मिनी बाईपास पर इस समय इंडस न्यूज की टीम मौजूद है। रोडों पर जो गड्ढे हैं वो हादसे की वजह बन सकते हैं। इंडस न्यूज के लिए बरेली से आशीष अंसारी।